ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਤੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ गाड़ी में मैंने वीडियो नहीं बनाई, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। अब हम बाहर आ चुके हैं, आज हम प्लान करके आए हैं कि काफ़ी समय हम बाहर ही स्पेंड करेंगे देर रात तक, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। और दिन सोना है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अच्छा वार्म दिन है, आई थिंक टेम्परेचर 23 या 24 होगा, सो बेस्ट है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा फॉल को देख रही थी, हस्बैंड एंड हेमंत मुझे लग रहा ऊपर चले गए हैं, तो मैं भी उनके साथ जाती हूँ। कई लोग नीचे फॉल के पास बैठे हैं, पानी के पास भी। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ। ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ? ਅਲਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣ ਕਿਆ ਬੋਲੇ? ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੱਸਿਆ ਬਾਂਦਰ ਮੈਂ। ओके आज हम लोग आए हैं बाहर, आई डोंट नो कहाँ है, बाबू कितने फॉल। ओके हैमिल्टन में ही है ये। हस्बैंड को जबरदस्ती मैं बाहर लेके आई हूँ, कितने दिन हो गए कि ना हम रेडी हुए हैं ना हम बाहर आए हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी हमारी थम सी गई है। मैं कह कि बाहर चल रहे हैं, किसे भी चल रहे हैं, हमने सोचा कि नाइग्रा चल रहे हैं, नाइग्रा में ज़्यादातर चीज़ें तो बंद हैं, पर फिर भी मैंने सोचा कि कहीं तो निकले ताकि कोई अच्छी एनर्जी बाहर से ले। इतने सोने ब्यूटीफुल सनी दिन चल रहे हैं और सारे दिन हम घर में रह के ख़राब कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बंद हैं, पर आप आउटडोर ऐसी पार्क्स में समय स्पेंड कर सकते हो जहाँ पर आपको डर नहीं लगता। यहाँ पे अगर लोग भी आएँ तो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर ही रहते हैं, सो स्केरी नहीं है, इसलिए हम बाहर निकले हैं नाइग्रा जाने के विचार से। पर रास्ते में ये हैमिल्टन में है मुझे लग रहा फॉल, अच्छा है ये, लाइक काफ़ी पानी है यहाँ पे, जो हमारे नज़दीक है आई थिंक हॉल्टन फॉल्स या हिल्टन फॉल्स, उसमें पानी कम ही रहता है, पर उसको देखने के लिए वॉक भी बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पर वहाँ ऊपर हमने गाड़ियाँ खड़ी की हैं और यहाँ पर हमने फॉल देख लिया। सो यहाँ पे ये हाइक करने के लिए ऐसे रास्ता बना हुआ है बहुत अच्छा। When the world was prettier, oh, my innocence is gone and I feel a cold front on its way now. I remember when the devil on my shoulder told me there'd be a day where I might. What? ओके गाइस, इन्होंने कहा कि इतने वीडियो एंड फोटो भी नहीं खींचनी, रियली पब्लिक प्लेस है, वाई वाई वाई। ओके ओके आई पुट इट, डोंट वरी। ओके सो अब हम वॉक करके काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे बंदे जाने अलाउड है और हिम्मत तो वहाँ पे खड़ा है और उसका मन कर रहा है बहुत ज़्यादा पानी में। हिम्मत एंड हस्बैंड काफ़ी अगे जा चुके हैं और आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, इतना टायर्ड आई कांट वॉक। आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड वी कांट डू, फ्लावर्स इवन मैटर अबाउट इट cause they can't blow like you don't. I don't see a way around it, cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside, been thinking about you all night, been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside.
और दोस्तों तो हिम्मत नहीं कर रहा कि मुझे नाइग्रा जाना है, एटलीस्ट ट्राई कर लो आप जाके। और आपने देखा कि ये नाइग्रा नहीं, जॉम्बी टाउन बन चुका है। और खाने के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन हैं, एक टिम हॉर्टन्स एंड एक मैकडॉनल्ड्स। और बाकी चेन्स भी बंद है, बर्गर किंग, विंडीज। सो या अब डैडी डिसाइड कर रहे हैं कि की कितना जाए। नाइग्रा यूएस की तरफ चीज़ें ओपन है, शायद डैडी जाएंगे वहाँ पे फ्लाई करके और वहाँ से लेके। डैडी इज़ द बॉस। ओके सो ऐसी करने लग गया मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स ओपन एंड माय हैंडसम हस्बैंड इज डूइंग सम ऑर्डरिंग। आई एम हियर टू पिक अप माय मोबाइल ऑन। गाइस दिस इज मैकडॉनल्ड्स आइसक्रीम। तो फिलहाल हमारा प्लान है कि यहाँ से फूड लेके हम फॉल के पास जाके बैठेंगे और पिकनिक मनाएंगे, क्योंकि कुछ तो करें अदरवाइज तो सारा कुछ बंद है। हिम्मत आना चाहता था, इससे था कि कुछ ना कुछ गेम्स होंगी आउटडोर, वो प्ले करूँगा मैं। नहीं है, सब कुछ बंद है। सो हम फॉल के पास बैठ के थोड़ी पिकनिक मनाएंगे और हमारा फूड का, और फूड अभी रेडी नहीं है तो हम। Too overwhelming, so I started running. It stopped being fun and making myself numb isn't helping. I got to learn to deal with the way I feel. If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment. Husband ne bahut zyada bhookh lagi hai dosto, kyunki husband ne sahi ka kuch nahi khaya. Okay dosto, to ye sanu bahut pyara spot mila hai yahan pe picnic ko jaane ka. Husband and Himmat bahut totke pa gaye hain picnic pe, kyunki unhone bahut bhookh lagi. You can share. Daddy got his own nuggets. For a moment, drown these voices out. Slow burn. Mind is a world away, and I'm not gonna come back for anyone else. And I don't wanna come down and be by myself. Slow burn. Stay here and watch the flame. Now I'm focusing on all my breathing, floating on this feeling, burning sage. Maybe that was clever, now I'm feeling better. Even though I know that this feeling will last forever, I tapped into a space I found my mind is a world away, and I'm not gonna come back for anyone else. And I don't. Okay guys, हिम्मत की आंखें डैडी बंद रख रहे हैं, कह रहे कि मेरे पास सरप्राइज है, पता नहीं की सरप्राइज है। मम्मी को लग रहा है कि उसे गिरा देंगे। Oh my god, this is so beautiful. Look at those people. आप इसमें बैठ के यूएस वाली साइड जा सकते हैं एंड देन वापस आ सकते हैं। ऐसे इस तरह देखो तो ऐसे लग रहा है कि कोई अच्छी सी लेक है। सो एक्चुअली ये पहली बार है कि हमने ये वाली साइड एक्सप्लोर की है, हम इस तरफ कभी भी नहीं आते, बस वो फॉल देख के उधर से चले जाते, बिकॉज यहाँ पे क्राउड नहीं है, पार्किंग हर जगह अवेलेबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इतने भी सारा खाली है। मैंने ये वर्लपूल कार के बारे में पहले कभी नहीं सुना ना ही देखा। सो आप इसमें ट्रैवल करके उस साइड जा सकते हैं। इसकी टिकट कितनी है? $16 है। आई थिंक 550 मीटर्स दूर है ये कैनेडा एंड यूएस। या मज़ेदार लगा। एक्चुअली फॉल पे हमने वॉक नहीं की, एक ठंडी हवा चलती और हवा में पानी भी आ जाता है, इतनी ज़ोर से, इतने प्रेशर से पानी गिरता है, तो फिर कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो हमने सोचा है रहने देते हैं, नई तरफ चल रहे हैं। और वहाँ पे एक बोट भी है, शायद आपको दिख रही हो, और वो यूएस वाली साइड पर, वो नीचे कुछ लोग बैठे हैं ग्रुप बना के एंड
आराम से चिल कर दे, कुछ नहीं उनको, तो कितना मजेदार है ना। आई डोंट नो जिंदगी कदों नॉर्मल होगी। मेरे और हस्बैंड की वैक्सीन होने वाली है एक दो दिन में, और काफ़ी लोगों का कवर हो जाएगा मिड अगस्त तक। सितंबर में तो दूसरी डोज भी हो जाएगी मेजॉरिटी लोगों की, तो उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और सितंबर में तो इन्होंने सारे बच्चों को इन पर्सन स्कूल खुद से एडमिशन कर लिया है, सो होपफुली सितंबर के बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। US में तो ऑलमोस्ट हो भी चुकी है। और कैसे वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे नीचे देखने के लिए और सारा मज़ा नीचे से लेंगे, तो वी गोना वॉक। हिम्मत एंड हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था कि वो जाएंगे, बट मैं सोचा कि मैं अंदर नहीं है, बट देन हिम्मत सैड मॉमी आई एम सॉरी, मुझे डैड के साथ जाना ही पड़ेगा, जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का डायलॉग हो। तो आई सेड ओके देन आई कम। सो यहाँ पे ऐसी स्टेयर्स हैं, इस स्टेयर्स को यूज़ करके नीचे जाना आसान है, ऊपर वाली स्टेयर्स बहुत अजीब सी। आई फाउंड अनदर केव मैन। ये इंडियन पति देखो, कोई टेंशन नहीं रहते पत्नी कितने, अपनी मर्जी से दूर रहते, और लुक मैं कितनी दूर हूँ, कैन यू इमेजिन, इतना करते हैं पति। ओके गाइस, मुझे लगता है कि वहाँ पे पानी है, अभी भी मैं मेरे हस्बैंड से बहुत दूर हूँ। पर एक बात है कि आसानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी हम नीचे की तरफ आए हैं तो स्टेयर्स नीचे उतरे हैं, और लेटर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पर काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सो बिजी है, मैं इतना बिजी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि लोग आते नहीं है। लुक एट दिस जायंट पत्थर गाय। और पानी की स्मेल आनी शुरू होगी, ज़्यादा पानी जम नहीं जाता कि कहते हैं हरियाली जम जाती है, वैसी स्मेल आ रही है। ओके आई एम टायर्ड। एक तो रास्ता इतना था, हम पहुंच गए हैं काफ़ी ज़्यादा वॉक करने के बाद। हिम्मत स्टोन से प्ले कर रहा है, हस्बैंड कोई रैंडम स्टोरीज बना रहे हैं शायद। आई थिंक जब हम पहले देख रहे थे तो यार ये वर्लपूल के पास खड़े होकर देख रहे थे ना, तो अन्ना 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 वॉक करके डाउन आए हैं हम लोग। सो यस दिस इज हाउ वाटर इज लुकिंग। Spaces revolving around dilate. Okay, दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा वॉक करने के बाद हम इस एरिया में पहुँचे हैं, तो बहुत मज़ेदार, पर मैंने लगा कि वहाँ पे खड़े होकर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अभी हम आ तो गए हैं, जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, और जो स्टेयर्स हैं वो वियर्ड है, लाइक उल्टी पुल्टी जी है, सीधियाँ पौड़ियाँ नहीं है, डिगते डिगते ही हम आए हैं। पता नहीं पति आए या नहीं, पति तो उन्होंने लगी हैं, वो जी ऊपर स्टेयर्स बढ़िया टेढ़ियाँ नहीं है, अन्नी बुनियाँ भी है। कुछ समय स्पेंड करते हैं इस तरफ एंड उस तरफ अमेरिका। पति ने कहा इन्फॉर्मेशन दे दो, जर्नल और हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दो। गाइस एक ना यहाँ से कुत्ता निकला चिट्टा काला, मैनू वेख के भौंकर लग गया, बहुत ही वेखिया मुझे, मैंने पै गया वो कहना ही तो मेरे वाल ही लग रही चिट्टा काला ही वेख्या तो वेख्या, और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो मैं थोड़ी और पीछे रह गई पति एंड हिम्मत। ओके दोस्तों, आई गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम। ओके दोस्तों, हस्बैंड डोंकी लाने के लिए चले गए हैं अमेरिका पक्का होने के लिए। एक्चुअली वो चिकले खाने के लिए गए, आई डोंट नो नाइग्रा US में आई, यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में चाय कॉफ़ी है, मेरा ही मन कर रहा मेरे पास भी। Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sunk hill sky color schemes. Makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. ये वो आदमी जो मुझे इस रास्ते से लेके आया है। मैं दे रहे बैग जहाँ आप ही चखेंगे तो ये जगह। ओके दोस्तों, तो हस्बैंड को अनदर एक स्पॉट मिल गया है, तो वो उस स्पॉट को देखने के लिए चले गए। हम ऊपर आए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मैंने बहुत सारी ब्रेक्स ली, कटो कट 4-5 ब्रेक ली होंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे अप हिल था,
तो ज्यादा मुश्किल था. और वैसे भी आज हमने वो हैमिल्टन ही वाटरवुड फॉल में भी, एक्चुअली उसका नाम वाटरवुड था, मुझे लगता है पहले मैंने गलत बता दिया था. सो वाटरवुड फॉल में भी हमने काफी हाइक किया था. और यहाँ पे भी एक दिन के लिए बहुत ज्यादा है मेरे लिए, ना करना टू मच था. सो पर यहाँ कर लिया है हमने. ओके सो हस्बैंड को एक और नया स्पॉट मिल गया, कह रहे कि मैं यहाँ से भी देखूंगा. और वो और हिम्मत गए, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, पड़ा हुआ टू मच. सो इसके बाद हम लोग हमारे किसी दोस्तों को मिलने के लिए जा रहे हैं और आइसक्रीम खाएंगे एक साथ, उसके बाद घर जाएंगे. समय तो वैसे सिर्फ 6 बजे हैं, पर ऐसे लग रहा है बाहर देख के कि काफी ज्यादा समय हुआ, क्योंकि थोड़ा ग्लूमी क्लाउडी किस्म का है. गर्मी पर है थोड़ा क्लाउडी जैसे. सो यही है अपडेट. और Let me tell you a story about a time when we were kids, a time when we were kids. Oh, oh, oh. Let me tell you the times when we could do all the things we did. We did the things we did. Oh. So आज तो ही बड़े दिन आए ग्रादे भी शिंदे. My daddy is so crazy. We're going to get ice cream today. But I lost my way, my way back then. No more fighting and hurting. Those times are now coming gone. It's time to grow up and stand tall. Not to be kind of fun. End of the day, hum log aa gaye hain ice cream factory mein, because my husband said कि मैं तेरे ना बहुत बुरा बिहेव किया है, इट्स टाइम फॉर मी टू से सॉरी. बहुत पीच दी टॉपिंग है, मैं पीच दी टॉपिंग ना कुछ खाना भी. गाइस लुक एट द, कुछ इस तरह का दिखा करता था जस्ट बिफोर ओपनिंग डे June 30. ओके वैसे ये बहुत ही कम बंदों के अंदर एंटर कर रहे हैं और बहुत बहुत सारे फ्लेवर हैं यहाँ पे, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन से खाएंगे. पर मैंने डिसाइड कर लिया कि वो स्ट्रॉबेरी एंड बबल. ओके गाइस दिस इज पीच पॉपुलर संडे. एक्चुअली मुझे लगा था कि बड़ा साइज होगा पर एंड नहीं है. फिर आ जाना हुन 27 हो गया कि देख के आना तो गिर गया संडे. गिव मी आई वांट टू मेक अ वीडियो. ओह टाइटैनिक नो, वो तो क्रैश होगी ही, और वो पैसेंजर शिप सी. ओके दोस्तों तो जो भी मेरी वॉक की कमी रह गई थी, हस्बैंड को लगा कि यदि हड्डियाँ मजबूत है काम कर रही हैं, तो अब हम यहाँ पे वॉक करने के लिए आए हैं. मेरे पीछे एक बहुत बड़ी शिप है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सामान रसद यहाँ से वहाँ जा रहा है. दोस्तों आज हम निकले थे हमारी जिंदगी के साथ रिकनेक्ट करने के लिए. कार जब बह गए हम लोग हो गए पागल. हस्बैंड ने वॉक करा के कमरे काट दिया. अभी ये बोट वाले एरिया में वॉक की है. और आइसक्रीम खाने के बाद अब हस्बैंड का अपने फ्रेंड्स के साथ विचार बन गया पिज्जा खाने का. सो मे बी हम लोग पिज्जा खाने के लिए जा रहे. सारा कुछ बंद था. वेल इट्स नॉट माय फेवरेट, पर मुझे भूख लगी है तो मैं खा लूंगी. पर मुझे ना मटेरियल बहुत है गाइस, और मैं अनियन खाती नहीं हूँ, और जब मैं अनियन निकालती हूँ तो सारा मटेरियल निकल जाता है. पर फिर भी दिल पे पत्थर रख के मैं खा लूँगी. एंड मिमी नहीं खा रहा. मिमी यू ईट टू. ना मिमी Okay, दोस्तों तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और रास्ते में ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई थी. पर हमें अजीब भी लग रहा था कि इतनी लेट हो गया. हम बजे सिर्फ 10:30 ही थे, पर हम लोग इतना ज्यादा रूटीन में रहते हैं कि वैसे मैं सोऊं जितने मर्जी बजे, 10:30-11 बजे हम मैक्स बेड पे चले जाते हैं. सो पता नहीं यार ये उम्र का तकाजा है या अच्छा है कि आप किसी रूटीन में. सो यस हस्बैंड एंड हिम्मत को अब से भेज दिया मैंने. अब मैं सोच रही थी कि हिम्मत को कुछ खिला दूंगी, पर बहुत लेट हो गया है, तो वो भी कह रहा मुझे कुछ खाना नहीं. और वो आते समय सो भी किया था गाड़ी में, तो वो काइंड अभी भी सोया हुआ है, तो ऊपर चला गया वो.
और समय हो चुका है 10:45, तो मैं क्विकली मेरी किचन को क्लीन करने वाली हूँ। वैसे डिशेज इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं डिश वॉशर नहीं ऑन करूँगी, पर इनको वॉश करके रख देते क्योंकि फिर अगली सुबह आके आपका चाय पानी बनाने के लिए भी मन नहीं करता अगर किचन में नहीं रहता। तो इनको हम डिश वॉशर में वाइप करके रिंस करके रख देते हैं ताकि हमारी किचन क्लीन लगे। एक्चुअली घर से जाने से पहले मैंने मेरे घर को काफ़ी क्लीन किया था क्योंकि जब बाहर से आते हैं ना तो घर साफ ज़्यादा अच्छा लगता है, गंदा हो तो मज़ा नहीं आता। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने ये चेहरा पहली बार देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बार में ज़रूर से छोड़ें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यस, हमारी कोशिश होने वाली है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीसी, लेट्स गो। बाय, लव यू गाइज़ सो वेरी मच।